इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। किसी जमाने में डाकुओं का गढ़ माने जाने वाली चंबल नदी और इसकी घाटियों के पास ही स्थित है एक सुंदर संरचना। जी हाँ, मुगल काल में बने इस ऐतिहासिक शिल्प के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं तालाबे शाही की। राजस्थान के धौलपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाड़ी मार्ग पर स्थित एक झील है तालाबे शाही। ये बहुत सुंदर एवं ऐतिहासिक झील है। सर्दी के मौसम में यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। इस झील का निर्माण उस समय के मुगल शहजादे खुर्रम उर्फ शाहजहां के लिए किया गया था। शाहजहां जिन्होंने आगे चलकर मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली। तालाबे शाही का निर्माण सन 1617 में हुआ था। इसका निर्माण शाहजहां के शिकारगाह के तौर पर हुआ था। आज से कई साल पहले जब इस झील का स्थापत्य हुआ था तब यहां घने जंगल थे। जंगल होने के कारण यहां विविध प्रकार के पशुओं और पक्षियों का आना जाना होता था। आज भी यहां सर्दियों में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, जिस वजह से इस जगह को शिकारगाह के लिए उत्तम माना गया। इस ऐतिहासिक करिश्मे के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, इसी कारण यहाँ पर्यटक ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर राजा और रानी के दो महल हैं, जिन्हें जनाना और मर्दाना भी कहा जाता है। जनाना महल को पर्यटकों के लिए होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये झील जितनी मनमोहक है उतनी ही दिलचस्प है इसके निर्माण की कहानी। ऐसा माना जाता है कि तालाबे शाही का निर्माण शाहजहां के साले सालेह खान द्वारा किया गया था। सालेह खान शाहजहां के जागीरदार भी थे। शहजादे शाहजहां यहां आराम का वक्त बिताने और मनोरंजन के लिए आया करते थे। इसी झील की देखरेख धौलपुर के राजा किया करते थे। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही वास्तुकला भी एक शिखर पर पहुंच गई। इसी काल में सजावट के लिए लाल पत्थरों को काटकर फूल पत्ते के आकार में बनाकर इमारतों पर सजाया जाता था। इस काल में बनने वाले गुंबदों को कलश से सजाया जाता था। मुगलों द्वारा बनाई गई महान रचनाएं लोगों को उस समय की अद्भुत कलाकारी के बारे में सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है, जो पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। मुगल काल में लाल पत्थर का इस्तेमाल जोर शोर से किया गया। बहुत से ऐसे अजूबे बने जिनकी सुंदरता को बढ़ाने में लाल पत्थर की अहम भूमिका रही है। कई जाने माने स्मारक जैसे कि दिल्ली का लाल किला और हुमायूं का मकबरा भी इस धौलपुर के लाल पत्थर से ही बनाए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पत्थर का जन्म कहाँ हुआ? धौलपुर को लाल पत्थर का गढ़ माना जाता है। धौलपुर के लाल पत्थरों का बोलबाला पूरी दुनिया में है। मुगल काल की सबसे सुंदर कलाकारी में से एक है तालाबे शाही। इस झील से लगा हुआ है खानपुर महल, जिसका निर्माण धौलपुर के राजा उदयभान सिंह द्वारा हुआ था। आजादी के बाद धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने इन स्मारकों को भारत सरकार को दान कर दिया। आज के दौर में इसे सरकारी गेस्ट हाउस के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया है।